आपका सेंटर क्या है, आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की सेंटर क्या है, किस कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छूट गए हैं, आपका सेंटर किस कॉलेज में जा रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि मैं आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। गाइज, आप सभी को पता है बहुत सारे बच्चों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छूट गए हैं, जैसे 19 और 21, 20 और 22, 21 और 23 सत्र के। उन बच्चों का परीक्षा केंद्र क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं। परीक्षा केंद्र आपके जो कॉलेज बनाए गए हैं, ANAS कॉलेज मेरठ में है, जिसका कॉलेज कोड है 056, शहीद मंगल पांडे राजकीय महाविद्यालय स्नातकोत्तर है माधवपुरम मेरठ में, 091 इसका कॉलेज कोड है, DJ कॉलेज बड़ौत है 003, RGPG कॉलेज मेरठ में है 058। परीक्षा केंद्र और छात्र छात्राओं की सूची संलग्न है। नीचे आप अपना नाम भी देख सकते हैं कि आपका सेंटर किस कॉलेज में गया है। गाइस, यहाँ पर लिखा है उक्त छुट्टी प्रयोगात्मक परीक्षाएं 5 फरवरी 2024 और 6 फरवरी 2024 को आयोजित परीक्षा केंद्रों पर संपन्न कराई जाएंगी। BEd प्रथम और छात्र छात्राओं की परीक्षा की तिथि और परीक्षा केंद्र जल्दी ही जारी किया जाएगा, सूचना पृथक से जारी की जाएगी, अभी इनकी सूचना नहीं आई है। गाइज, अब आप यहां देख सकते हैं कि आपका सेंटर किस कॉलेज में गया है। जैसे यहां पर रोल नंबर्स हैं, फादर्स नेम है और पेपर कोड है, आपका पेपर कोड है। तो गाइज, यहां पर पेपर कोड और कॉलेज कोड एक बार मैच कर लेना, जैसे कि यहां पर पेपर कोड एक अलग है। सेंटर कहां गया है ये आपको कैसे पता चलेगा, यहां आइए हम फिर से देखते हैं। यहां स्टार्टिंग में रोल नंबर है और यहां पर आपके सिर्फ रोल नंबर ही हैं, पेपर कोड है और यहाँ पर लिखा है कॉलेज कोड। हाँ, यहाँ सबसे ऊपर लिखा है एग्ज़ाम सेंटर NAS कॉलेज मेरठ, कोड 056। इस कॉलेज में जितने बच्चों का सेंटर गया है उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, आप अपना नाम देख लेना। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और बाद में अपना मैच कर सकते हैं कि आपका नाम इसमें है कि नहीं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, इस तरीके से आप सभी बच्चों का सेंटर इसी कॉलेज में गया है। इसके बाद गाइस, जिन बच्चों का सेंटर 056 NAS कॉलेज मेरठ में गया, अभी उन्हीं की लिस्ट चल रही है। इनका 6 तारीख होगा, 5 और 6 तारीख होगा, 5 से 6 तारीख के बीच में। आप सभी अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहां से अपना चेक कर सकते हैं कि आपका सेंटर किस कॉलेज में गया है, ठीक है। और इसके बाद भी अभी NAS कॉलेज का ही चल रहा है, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छूटे हुए थे और आप सभी ने फॉर्म जमा किया, सबमिट किया, तो एक काफ़ी अच्छी बात है कि आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। गाइज, अब भी NAS कॉलेज ही चल रहा है, 5 और 6 को प्रैक्टिकल हैं, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सारे बच्चों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इसी कॉलेज में होने हैं, NAS कॉलेज मेरठ 056। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना ताकि हर एक बच्चे को पता चल पाए, किसी बच्चे का दोबारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ना छूटेगा। इस तो आपके जो ग्रुप्स होंगे उस ग्रुप में ज़रूर इन्हें सेंड कर देना सभी लोग। यहाँ पर अभी इन्हीं की लिस्ट चल रही है गाइस, NAS कॉलेज की लिस्ट चल रही है, मतलब छूटे हुए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चों के हैं, जैसा कि इस लिस्ट को देख के पता चल पा रहा है। ओके, तो आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं, अभी ये NAS कॉलेज ही चल रहा है, NAS कॉलेज ही चल रहा है गाइस। स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आप सभी आप बाद में मैच कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छूटे थे, मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कितने बच्चों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छूटे हुए होंगे। इस लिस्ट में तो बहुत सारे लोग हैं। इस लिस्ट को आप CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ से मैच करने में दिक्कत आ रही है तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइस, NAS कॉलेज चल रहा है अभी, NAS कॉलेज गाइस, इस लिस्ट में बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप इस लिस्ट को जो है डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे देखना सही नहीं रहेगा, आप समझ नहीं पाएंगे। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे ही दी है कि आपके अगर आपने सेंटर देख सकते हैं कि आपका किस कॉलेज में सेंटर गया है, ठीक है। अब दूसरा कॉलेज आता है यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब है इस कॉलेज में जो सेंटर गया है लगभग 600 बच्चों का सेंटर गया है। इसके बाद जो अगला कॉलेज है गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट कॉलेज है आपका शहीद मंगल पांडे PG कॉलेज, जिसमें इतने बच्चों का सेंटर गया है, इन बच्चों की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। आप इस लिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ भी बहुत सारे बच्चों का सेंटर गया है इस कॉलेज में भी, ऐसे ही
आपका नेक्स्ट कॉलेज जो होगा वहाँ भी बहुत सारे बच्चों का सेंटर गया है। तो इस लिस्ट को आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम है, तो सारे नाम्स को सारे कॉलेज को दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा और आपको भी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बेटर है गाइस कि आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आप अपना कॉलेज सेंटर भी चेक कर सकते हैं जाके आप फटाफट। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है लिस्ट को डाउनलोड करने में तो आप मुझे कमेंट करना, देन मैं दूसरा वीडियो भी बना दूंगा। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद।